हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मेरा ससुराल का छत पे हूँ। तो ये देखिए, ये तेजपत्ता का पेड़, तो हर साल इसका डाली छाट देते हैं, बोल के छोटा ही रहता है। तो इस बार नहीं छाटे तो इतना बड़ा, देखिए 2 तल्ला का ऊपर देखिए आ गया। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ गुड़ का नारियल लाड़ू। तो गुड़ का नारियल लाड़ू कैसे बनाते हैं वो वाला आप लोग को ज़रूर मैं शेयर करूंगी, क्योंकि ये मैं खुद से उतना अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। मेरे सासू माँ और मेरे मामी सास बहुत अच्छा से बनाते हैं, तो इन लोग कैसे बनाते हैं तो वही वाला आप लोग को मैं शेयर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं नारियल फोड़ के धीरे धीरे करके एक एक करके मैं घसीट के नारियल को मैं निकाल रही हूँ, और उसके बाद उन लोग आएंगे, आके उन लोग कैसे नारियल लाड़ू बनाएंगे वही वाला आप लोग को दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, आँख का गुड़ को कढ़ाई में डाल दिए और इसको पिघलने के बाद नारियल को डालेंगे। আস্তে আস্তে ডালো, নাহলে চমক করে পড়ে যাবে। আস্তে আস্তে ডাল, হ্যাঁ 4টা 5টা দিয়ে দে না, দিলে দিচ্ছে আমি। দেখেছো অনেকটা আছে না? অনেক নয়, কমে যাবে তো। গুড় 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 আর না, শুধু গুড় দিলেও ভালো, চিনি টানা যায়। আর এক মাস 2 মাস রয়ে গেলেও কিচ্ছু নষ্ট হবে। মানে পাকটা হচ্ছে কিনা দেখতে হবে তো, এখনো হয়। আচ্ছা দেখো, তুমি দেখো, হয়নি না? तो देखिए हो गया है, अभी गैस से उतार दिया, और उतारने का पहले 2-4 इलायची कूट के दे दिए थे। तो अभी गर्म रहते रहते नारियल लाड़ू बनाना होगा, तो ठंडा हो जाएगा उसके बाद नहीं बनता है, तो गर्म रहते रहते ही बनाना पड़ता है। तो चलिए अभी हम लोग बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गया और अभी हम लोग छत पे आए हैं, तो जो भी पटाखा उटाखा है तो थोड़ा सा जलाएंगे, उसके बाद निकलेंगे पंडाल में। और आज प्रसादी देगा तो बहुत अच्छा लगता है काली पूजा का प्रसादी खाने में। तो देखिए अभी जो जो पटाखा है, और मेरा बेटी तो नहीं है, वो तो मायके चली गई। तो देखिए हम लोग तीनों ही हैं, तो तीनों मिल के जला रहे हैं।
না নেই হয়ে গেছে तो फ्रेंड्स अभी हम लोग का सब पटाखा जलाना हो गया। अभी हम लोग तैयार होने जा रहे हैं, तो तैयार होकर थोड़ा निकलेंगे घर का सामने जो जो पंडाल हुआ है वहाँ देखने के लिए। और आज काली पूजा का प्रसादी भी देगा, तो देखते हैं प्रसाद प्रसादी खा के फिर घर आएंगे। तो चलिए फिर अभी चलते हैं, तैयार होकर जाते हैं। मातृरूपेण संस्थिता तो फ्रेंड्स ये देखिए एक ठो काली मूर्ति कितना बड़ा साइज, ये है 50 फीट का काली मूर्ति। और साइड में जो छोटा पंडाल है उसमें छोटा मूर्ति काली मूर्ति है उसमें पूजा हो रहा है, बड़ा मूर्ति खाली दिखाने के लिए है। तो देखिए साइड में देखिए कितना अच्छा से फुहारा भी लगा दिया, तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए काली मूर्ति, ये है 50 फीट का। মনোরাকর্ষণ 50 ফুটের সাদা কালীর প্রতিমা, তাই প্রত্যেকটি দর্শনার্থীদেরকে জানানো যাচ্ছে আপনারা করে পুজোটি সাফল্য খাদিত করে তুলুন। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा से करके प्रसादी सबको दे रहा है। तो बासंती पुलाव और फूलगोभी आलू का दम है, तो अच्छा लग रहा था खाने में, टेस्ट तो बहुत अच्छा था। तो मेरे हस्बैंड तो खाने लगे थे, तो फिर वहाँ खाने होने के बाद हम लोग आए हैं और एक तो जगह में पंडाल देखने। तो यहाँ पंडाल तो बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है अंदर में। तो चलिए फिर आप लोग को भी हम लोग दिखाते हैं। জঙ্গল লাগছে না না Thank you.
तो फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए और सब लोग के लिए बिरयानी लाए हैं और यहाँ का बिरयानी तो इतना अच्छा लगता है क्या बोले। तो आज रात में हम लोग बिरयानी खाएंगे, बिरयानी चिकन चाप सलाद और रायता, बस यही आज हम लोग का डिनर। और यहाँ देखिए बिरयानी लाए हैं, तो दो कलर का बिरयानी, एक तो येलो कलर का और एक तो हल्का रेड रेड कलर का है। तो टेस्ट दोनों का अलग अलग है, बोल के ट्राई करने के लिए दो अलग अलग लाए हैं। तो देखिए अंडा भी दिया है, तो चिकन दो पीस, आलू अंडा एक प्लेट में, और देखिए ये देखिए चिकन चाप। तो चिकन चाप तो यहाँ का तो टेस्ट अच्छा आता है, तो एक प्लेट ये ले लिए थे। और देखिए सबका थाली सजा दिए, तो चलिए सबको दे देते हैं। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मेरा इतना तक ही है, फिर मिलेंगे और एक तो नई ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बोलिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे और एक तो नई ब्लॉग में, आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए। तो आज के लिए टाटा बाय और गुड नाइट।